हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल एडसेंस के ऐड को कैसे फिक्स कर सकते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर, मेरे जो होम पेज पे ऐड शो हो रहा है बट मेरे पोस्ट और जो बाकी सारे पेजेस है उसमें ऐड शो नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका कुछ फिक्सेस बताइए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। तो किस तरह से इसको फिक्स करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको बता दूं कि क्या रीजन हो सकता है कि आपका जो एडसन का एड है नहीं सो रहा है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जब भी आपका थीम अपडेट होता है उस केस में आपका जो हेडर सेक्शन का जो कोड होता है वो निकल जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से वो थीम न्यू अपडेट होता है। डेवलपर्स क्या करते हैं, पूरी तरह से उसका जब भी अपडेट करते हैं उसको कुछ ना कुछ फिक्सेस करते हैं उसमें थीम में और इम्प्रूव करते हैं, उस टाइम पे हेडर का जो पेज है वो भी अपडेट करते हैं। उस केस में भी ये आपका जो कोड है, स्निपेट कोड रहता है गूगल एडसेंस का, वो निकल जाता है। मैं आपको दिखा दूं वो स्निपेट कोड में किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो गूगल एडसेंस का जो स्निपेट कोड रहता है ये वाला, वो निकल जाता है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हेडर सेक्शन में आपको जो कोड है वो डालना किधर है। जैसे कि यहाँ पे चले जाना अपीयरेंस में, थीम एडिटर है। थीम एडिटर आने के बाद देखिए यहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी है, ठीक है। हेडर डॉट पी एच पी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडर सेक्शन मिल जाएगा। ये हेडर है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना इस कोड को, स्क्रिप्ट को। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी जस्ट थीम अपडेट किया था तो इसमें से भी निकल चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी गूगल का जो कोड है वो नहीं है यहाँ पे। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, स्क्रिप्ट को, क्योंकि जो हमारा हेडर, ये जो हेडर होता है इसके बीच में ही वो जो कोड है वो होना चाहिए। उसके दूसरी जगह पे रहेगा तो भी ये काम नहीं करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, अपडेट फाइल करना है, बस इतना ही करना था। आपका जो हेडर में जो कोड डालना है वो चला गया। बट इस वाले केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वापस से जब ये थीम अपडेट होगा ये फिर से निकल जाएगा। तो ये वाला प्रोसीजर ना करते हुए हम दूसरे प्रोसीजर से जाएंगे, चले जाएंगे हम प्लगइन सेक्शन में, प्लगइन एड न्यू, यहाँ पे सर्च करेंगे डब्ल्यूपी कोड। जैसे ही आप डब्ल्यूपी कोड सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लगइन आ गया जो कि 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपको देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पे कोड स्निपेट करके आ गया है। और नीचे जाएंगे यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका हेडर का जो कोड है जो मैंने आपको बताया था गूगल का स्निपेट कोड, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। गाइस आपको इतना ही करना है, सिंपली यहाँ पे सेव कर देना है बस। इसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका जो 10 से 15 दिन भी नहीं हुआ आपके वेबसाइट को और उसको फिर सेटअप होने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद ये पूरी तरह से आपका वर्किंग होने लगेगा। और गाइस ये करने के बाद आप गूगल एडसेंस जो आपके डैशबोर्ड में है वहां पे जाना है। वहां पे जाने के बाद जो भी आपका वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना एडिट करके। ये करने के बाद यहाँ पे सिंपली ऑटो ऐड को बंद करना है और वापस चालू करना है और सिंपली अप्लाई कर देना है। ये करना है, इससे क्या होगा, आपका जो भी सर्वर है, आपके जो वेबसाइट का सर्वर जो एड प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर से रोबोट जो है आपके वेबसाइट पे क्रॉल्स करेंगे, क्यों, वो देखेंगे कि आपके हेडर सेक्शन में वो कोड है कि नहीं है। तो ये वेरीफाई होते ही फिर से एड आपका शो होने लगेगा। इतना ही करना था। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। Right now and press the bell icon.